हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमारा 2016 और 2021 TGT के एग्ज़ाम्स होने बाकी है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोरोना ख़त्म हो जाता है तो इसी साल होने के आसार है, अदरवाइज़ देखते हैं कि कितने आगे ये खिंचता है। फ़िलहाल आपकी कोरोना के काल में जो आपको वर्क फ्रॉम होम जो वर्किंग है उनको टाइम मिल रहा है, उसका यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे बनाए रखिए, क्योंकि अभी तक 2.5 लाख फॉर्म्स वो सबमिट हो चुके हैं, और इससे आगे भी, अभी क्योंकि डेट है तो इससे आगे भी सबमिशन जारी रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस सेट TGT के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है उसमें स्क्वैमस एपिथीलियम पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आप पूछा है कि इसमें पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, ईसोफेगस, फेरिंग्स, गिजर्ड, क्रॉप, मीजेंट्रॉन, कोलोन एंड इलियम। फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजर्ड, क्रॉप, मीजेंट्रॉन, इलियम, कोलोन। ईसोफेगस, फेरिंग्स, क्रॉप, गिजर्ड, मीजेंट्रॉन, कोलोन एंड इलियम। फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मीजेंट्रॉन, कोलोन एंड इलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ईसोफेगस, फेरिंग, गिजार्ड, क्रॉप, मीजेंट्रॉन, कोलोन एंड इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन द अडल्ट ऑफ, सबसे पहले जब इवोल्यूशन होता है तो सबसे पहले होती है प्रोटोनेफ्रिक, फिर मीजोनेफ्रिक, एंड देन जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता चला जाता है फिर होता है मेटानेफ्रिक। तो इन सभी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशनरी कौन सा है, बर्ड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स इट्स सेट टू बी द फॉर रनर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आगे चलकर वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो भी यूरोकॉर्डेट्स में, तो इसका आंसर है एंडोस्ट्राइल। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो हम सभी को समझना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10,000 बेस पेयर विल हैव ए लेंथ ऑफ, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है DNA कई तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं बीटा DNA, BDNA, ठीक है। BDNA में हमें पता है कि एक कॉइल में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स, ठीक है, 10 बेस पेयर्स, ठीक, और इसकी जो कॉइलिंग होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं, इसके नैनोमीटर में, ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नैनोमीटर में, तो हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। हमें क्या करना है, तो ये कितना हो गया, ये तो 0.1 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। बेस पेयर कितने दे रखे हैं, 10,000, 10,000 में डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.4 की, इट विल बी इक्वल टू 340 ठीक है, तो इट विल बी 34,000, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू
34। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ द मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन ऑफ फ्लैटवर्म। ठीक, फ्लैटवर्म में क्या होता है, बीच में जो मेसोडर्मल टिश्यू की जो फिलिंग होती है, स्पेस जो होता है, जो खाली जो स्पेस होता है, उसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। नाउ ऑप्शन है एलिफेंटियासिस, ये क्यूलेक्स से होता है, येलो फीवर भी क्यूलेक्स से होता है, इंसेफेलाइटिस भी क्यूलेक्स से होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये डेंगू फीवर होता है एडीज से। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन हिरोडिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। हिरोडिन किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, प्रिवेंट्स कोएगुलेशन, हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। हिरोडिन प्रिवेंट्स कोएगुलेशन। ठीक है, हिरोडिन आपको पता होगा कि ये लीच सेंगिवोरस होती है, तो जब ये अपने शिकार को पकड़ती है तो उसमें यही केमिकल वो डालती रहती है, और ताकि कि जो उसका ब्लड है वो कोएगुलेट ना हो। नेक्स्ट है फिनाइल कीटो यूरिया डिसीज शोज एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन टिश्यू, लेस अमाउंट ऑफ फिनाइल एलेनिन इन टिश्यू, डिस्चार्ज ऑफ शुगर इन यूरिन और एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर इन टिश्यूज। तो इसका आंसर है एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन टिश्यू। नाउ स्टर्नम कॉर्नम इज अ लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ, ये कह रहा है स्टर्नम कॉर्नम जो लेयर है वो किस में लैक करती है, यानी किस में एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है फिशेज में। नाउ द रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि हाइड्रा जो रीजनरेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो इसका है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो हाइड्रा है वो उसके ऊपर बर्ड्स बन जाती हैं और वो फिर अलग हो जाता है और वो फिर मॉर्फोजेनेसिस हो जाती है। नाउ फ्रॉम एंथीरिया असामा इज ऑप्टेन, इसमें ये है ईरी सिल्क, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, तो इसका आंसर है मूंगा सिल्क। कॉम्ब्रोज आर द फीचर प्रेजेंट इन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्ब्रोज फीचर्स है किसका, टीनोफोरा का। टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है और ये इसका जो है ये फीचर है इसका कॉम्ब्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज फाउंड इन फीमेल कॉम्ब्रोज, यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड एंड फैलिक ग्लैंड, तो इसका आंसर है कोलेट्रल ग्लैंड। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट, हाँ ये प्लाज्मोडियम में है और ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का वर्मी फॉर्म कहते हैं थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक मोटाइल जाइगोट ये मिलता है आपका प्लाज्मोडियम। एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, एंडोमिक्सिस किस में पाया जाता है, पैरामीशियम। एपिटोक इन नीरीज इज एसोसिएटेड विद, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीरीज में एपिटोक सिचुएशन कब आती है या एपिटोक कब फॉर्म होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होने लगता है, नीरीज का पीछे का जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पैरापोडिया बहुत अच्छे से नज़र आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। लार्वा फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ एस्केरीज इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, रिहैबिटेटिव फॉर्म लार्वा। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिसअपीयर एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, ये कह रहा है कि ऐसा हार्मोन जो डिसअपीयर यानी ख़त्म हो जाता है जब इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक, तो इसका है सी जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन तब ख़त्म हो जाता है जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन टाइप आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच में मिलता है। और नीमियल क्रेस्ट इज फाउंड ऑन बोन टिबिया, एंड दैट्स इट, थैंक यू।